पालमपुर के परौर में रेप के आरोपी अभी तक बाहर हैं। परौर घटनाक्रम पर स्थानीय विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए, ये बात पूर्व विधायक सुलह विधानसभा क्षेत्र जगजीवन पाल ने कही। उन्होंने कहा कि सुलह विधानसभा क्षेत्र में बिगड़ी कानून व्यवस्था पर 8 मई को राष्ट्रपति राज्यपाल को एसडीएम पालमपुर के माध्यम से ज्ञापन भी भेजा जाएगा। पूर्व विधायक जगजीवन पाल ने कहा कि सुलह जैसे शांत क्षेत्र में नाबालिग लड़की से जघन्य अपराध सुलह विधानसभा क्षेत्र की बेटियों की सुरक्षा पर प्रश्न चिन्ह लगाता है। उन्होंने कहा कि घटना के इतने दिन बाद भी आरोपी बाहर है, ये शर्म की बात है। पाल ने कहा कि वे मांग करते हैं कि इस प्रकार घटनाओं को देखते हुए प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री अपने पद से इस्तीफा दें। वहीं परौर घटनाक्रम पर स्थानीय विधायक एवं स्वास्थ्य मंत्री को भी इस्तीफा देना चाहिए। जगजीवन पाल ने कहा कि कांग्रेस चुप नहीं बैठेगी, बेटी बचाओ अभियान एक पखंड साबित हो रहा है। पाल ने कहा कि आज क्षेत्र में भय का माहौल है, इलाके में गुंडागर्दी चरम पर है, पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था का दिवालिया निकल चुका है। सोलन में घटी घटना प्रदेश के इतिहास में पहली घटना है, जिसमें अवैध कब्जा गिराने के लिए गई सरकारी महिला कर्मचारी को गोली मार दी जाती है। उन्होंने कहा कि अभी भी समय है कि सीएम जाग जाए। जगजीवन पाल ने पालमपुर थाने में भी समर्थकों सहित धावा बोला। उन्होंने कहा कि 7 मई तक परौर दुष्कर्म घटना के आरोपी नहीं पकड़े गए तो सुलह विधानसभा क्षेत्र में धरना प्रदर्शन किया जाएगा और बेटियों को न्याय दिलवाया जाएगा। वहीं पाल ने थाने में दो टूक ऐलान किया है कि 8 मई से आंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी प्रदेश सरकार की होगी। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो मेन मकसद है, दुख है हमें कि जो हमारा देवी देवताओं का प्रदेश है, उसमें जो अपराध घटित हो रहे हैं और वो भी अभी 5-6 महीने की सरकार भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र प्रदेश में नए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में काम कर रही है। हमें ऐसी उम्मीद थी कि नौजवान मुख्यमंत्री है, नया मंत्रिमंडल है, हमारे सबडिवीजन से भी एक मंत्रिमंडल में मेंबर हैं, स्वास्थ्य मंत्री के रूप में श्री विपिन सिंह परमार जी, लेकिन बड़े दुख से कहना पड़ रहा है कि जो सरकार कहती है कि बेटी की सुरक्षा होगी और महिलाओं की सुरक्षा होगी, जो जघन्य अपराध हमारे चुनाव क्षेत्र की नाबालिग लड़की है और जो परौर में घटना घटी है, जो गैंग रेप हुआ है, उसकी हम कड़े शब्दों में भर्त्सना करते हैं। ऐसा इससे पहले इस देवी दास देवताओं के प्रदेश में कभी नहीं हुआ है। और बेटी बचाओ महिला सुरक्षा का जो दावा है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, चाहे वो प्रदेश की सरकार है वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इन्होंने जनता से वायदा किया था कि हम महिला सुरक्षा हमारा पहला कार्यक्रम है, तो ये साबित करता है कि बेटी बचाओ और महिलाओं के ऊपर अत्याचार नहीं होगा, उसमें ये सरकार फेल रही है। अभी तक भी वो गैंग रेप के जो कल्प्रिट्स हैं वो अभी तक भी पकड़े नहीं गए हैं, ये हमारे लिए शर्म की बात है। और हम मांग करते हैं कि इस घटना को देखते हुए मैं तो ये चाहता हूं कि प्रदेश सरकार, मुख्यमंत्री,
रिजाइन करें। अगर प्रदेश सरकार या मुख्यमंत्री रिजाइन नहीं करते हैं तो इस घटना को देखते हुए हमारे जो यहां से प्रतिनिधि हैं प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल में श्री विपिन सिंह परमार स्वास्थ्य मंत्री के रूप में प्रेजेंट हैं, उनको तुरंत इस्तीफा देना चाहिए।